अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमिर बशीर है और मैं टाइम्स कंसल्टेंट में एज अ ब्रांच मैनेजर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ दिनों में आ रहे थे कि सर यूके का PSW बंद हो रहा है, क्या जो बच्चे जैन इनटेक में आए हैं क्या उसका इफेक्ट उन बच्चों पर होगा, या सितंबर 2024 में जो बच्चे आएंगे उनके ऊपर ये इफेक्ट होगा। तो मैंने कहा क्यों ना इसी पर एक वीडियो बना ली जाए ताकि सबकी ये क्वेरीज को क्लियर हो जाए। तो बेसिकली जो एक इदारा होता है मैक, एक इदारा है यूके के अंदर जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी होती है। ये इदारा सारी माइग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को एड्रेस करता है, देखता है कि कोई रूल्स ब्रीच तो नहीं हो रहा। तो जो होम सेक्रेटरी है यूके के जेम्स कैवलरी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैक को एक ऑर्डर जारी किया कि आप इस वीजा, ग्रेजुएट वीजा जो कि PSW है, उसको रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद हमें उस पर एक रिपोर्ट जारी करें। यू हैव कंडक्ट अ रैपिड रिव्यू ऑन द ग्रेजुएट वीजा, यानी कि आप उसके ऊपर एक रैपिड करें रिव्यू और उसके बाद हमें बताएं। यूके गवर्नमेंट बेसिकली ये जानना चाहती है कि कितने बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं और कितने बच्चे ग्रेजुएट वीजा ले पा रहे हैं, और जो ग्रेजुएट वीजा ले रहे हैं वो उसमें क्या काम कर रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ये चीज जानना चाह रही है। अब उसमें क्या हुआ, मैक ने चार पॉइंट्स को नोट कर लिया। अब उन चार पॉइंट्स पे वो काम करेगी। पहला पॉइंट क्या होगा कि कितने रूल्स एंड रेगुलेशन ग्रेजुएट वीजा को लेके अब्यूज हुए हैं, वो सारे एविडेंस उसके अकॉर्डिंग इकट्ठे करेंगे, देन वो एड्रेस करेंगे होम सेक्रेटरी को। सेकंड क्या होगा कि बच्चे पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और कितने बच्चों ने ग्रेजुएट वीजा ले लिया है, सेकंड पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा कि ग्रेजुएट वीजा लेने के बाद बच्चे उस ग्रेजुएट वीजा के दौरान क्या काम कर रहे हैं, आइदर वो अपनी प्रोफेशनल जॉब, अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब कर रहे थे या कोई और जॉब्स करके बस पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि यूके भी यही चाहता है कि उनके जो स्टूडेंट्स जाएं वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो और उनकी इकोनॉमी में एक अहम किरदार अदा करें, और जब वो व्हाइट कॉलर जॉब्स करेंगे। अब क्या होगा, अब 12 मई तक उनके पास, मैक के पास टाइम है। मैक क्या करेगा, 12 मई को ये रिपोर्ट जारी करेगा कि आइदर ये वीजा खत्म किया जाएगा, कम किया जाएगा या क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो बच्चे पूछते हैं कि सर जनवरी के जो जनवरी इनटेक में बच्चे आए थे उनके ऊपर ये इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं ये बता दूं कि उनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये उनके ऊपर लागू होगा जो इस वीजा के अंडर आएंगे। यानी कि अगर 12 मई के बाद ये लोग कह देते हैं कि ये वीजा मोर नहीं होगा, तो फिर जो सितंबर इनटेक में बच्चा आ रहा है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा नॉलेज है, उसमें ये होगा नहीं, क्योंकि देखिए जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसके खिलाफ है कि PSW खत्म हो। आपको याद होगा कि 2012 में जब PSW खत्म हुआ था तो यूके में बच्चे ने जाना ही खत्म कर दिया था, बच्चा जाता ही नहीं था, और जो सारा फाइनेंशियल्स डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज का वो करता ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर है, क्योंकि जो गोरा है गोरा कभी भी यूनिवर्सिटीज में नहीं जाता। गोरा क्या करता है, हाई स्कूल में पढ़ता है क्योंकि वहां पे हाई स्कूलिंग फ्री है। हाई स्कूल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेता ही नहीं है, वो करते हैं कोई डिप्लोमास वगैरह करते हैं और अपनी जॉब्स रिटेन करके अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट कर लेते हैं। यूके की इकोनॉमी चल ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर है, जो मुझे लगता है कि इसको टोटल PSW को खत्म नहीं करेंगे। हाँ, इतना करेंगे कि शायद कम कर दें 2 साल से 1.5 साल पे या 1 साल पे ले आएंगे। तो अब ये बात कुछ कंफर्म नहीं है कि आइदर ये खत्म होगा या कम होगा, ये तभी होगा जब मैक अपने प्रॉपर एविडेंस इकट्ठे करके होम सेक्रेटरी को देगा। होम सेक्रेटरी इस पे क्या करेगा कि इस पे एक पूरी कमेटी बैठेगी, कमेटी बैठने के बाद वो इस पे डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन क्या लेंगे, तो ये एक अलग सिनेरियो है कि ये हम 12 मई के बाद ही जान सकते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं तो 2023 में एक रिपोर्ट इशू हुई थी कि 32% ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहां से पढ़ने गए थे उन्होंने क्या किया था, अपने वर्क परमिट में कर लिया था स्टूडेंट वीजे को कन्वर्ट, यानी कि हेल्थ केयर का वीजा ले लिया, कोई वट एवर परचेज करके वो चले गए थे, और 16% सिर्फ वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद गिवन थ्रेशोल्ड ऑफ सैलरी से वो ज्यादा कमाने लग पड़े, यानी कि 100% में से सिर्फ 16% स्टूडेंट ऐसा था जिसने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, 84% स्टूडेंट वो था जिन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रीच कर दिया। तो आने वाले टाइम में ही ये कंफर्म हो पाएगा कि आइदर ये वीजा कंटिन्यू है या नहीं है। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं ग्रेजुएट वीजा अप्लाई करने के रूल्स क्या होते हैं। ग्रेजुएट वीजा ये वो वीजा होता है जब एक बच्चा अपना मास्टर्स या बैचलर्स यूके से कंप्लीट करता है तो उसके बाद 2 ईयर्स का PSW या ग्रेजुएट वीजा उसको दिया जाता है। ग्रेजुएट वीजा अप्लाई करने के लिए बेसिकली 2 रूल्स होते हैं।
एक पहला सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जब आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, जब आप ग्रेजुएट वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो एट दैट टाइम आपका यूके में होना जरूरी है, यानी कि आप पाकिस्तान आके वो वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट ये था कि लेट्स सपोज अगर आपका मास्टर्स एक साल का है तो एक साल में ही कंप्लीट होना चाहिए, अगर वो आपका 1.5 साल में कंप्लीट हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट वीजा। सो आप ये दो रूल्स फॉलो होने चाहिए, वंस ये दो रूल्स फॉलो हो जाते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। उम्मीद करता हूं कि ये आज की एक शॉर्ट सी क्लिप था कि ताकि बच्चों को ये क्लियर हो जाए कि ये चीजें कैसे वर्क करेंगी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है आप हमें एड्रेस कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस हैं, तो हम आपको उसके मुताबिक आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर मोर, थैंक यू।